इन्द्रो वृदशवाः स्वसिनः भूका विश्ववेदाः स्वसिनस्तार्क्ष्यो हरिष्णेमिः स्वसिनो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यं पयो गदीषु स्वयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः पदिशः सन्तु मह्यम् गुप्ता जी से आग्रह है, कृपया मंच पे आए। जम्मू मंदिरों के शहर में हार्दिक स्वागत है। माँ भवे वाली माँ वैष्णो काम किया सदैव ये सोचते थे एक विदेशी आया 500 साल के पहले हमारा अपमान करके चला गया है। स्थानीय लोग लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, हम भी लड़े। आग चलती रहेगी, लपटे चलती रहेंगी, कभी ना कभी सफलता मिल जाएगी। तो जैसे और चले गए हम भी चले जाए। अब आंदोलन तो जब शुरू हुआ था तो विश्व हिंदु परिषद तो कोई जानता ही नहीं था इसको। जो लोग जानते थे उनको लगता था क्या होगा। तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर आप भी हम नहीं करोगे तो कौन करेगा। घटना 1983 की है और उन्होंने पब्लिकली कहा। अब कहने से तो कुछ होता नहीं जी। एमपी जुगलचोर शर्मा जी, हमारे डीसी चेयरमैन बहादुर भूषण जी, हमारे इस जो कार्यक्रम करवा रहे आयोजक हैं, हमारे इसके अध्यक्ष पर्यटन के राजेश जी, जो संचालित कर रहे हैं हमारे रमन सूरी जी, यहाँ पर चैंबर के प्रेसिडेंट, उनकी पूरी टीम, ये अलग अलग जितनी भी एसोसिएशन आए हैं सबके प्रेसिडेंट, उनकी टीम, जितने भी आज यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आपने आप में बड़े भाग्यशाली। माननीय चौपत जी के दर्शन करने साक्षात ईश्वर के दर्शन करने के समान है। यह सूरी साहब ने बताया कि उन्होंने पूरा अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया है। बाल्यकाल से लेके अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद पूरा जीवन प्रचारक के रूप में समाज को दिया। फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन में पहले दिन से लेके मंदिर के निर्माण तक इनका पूरा जीवन पूरा समय, मुझे दो बार अयोध्या जाने का मौका मिला। एक बार ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की वहां कॉन्फ्रेंस थी, मैं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का भी कोषाध्यक्ष हूँ, मुझे जाने का अयोध्या में मौका मिला। वहां के हमारे जो महापौर थे ऋषि उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत पूरे देश के जो मेयर आए थे उनको सम्मानित किया। माननीय चंपतराय जी का वहां हमें मार्गदर्शन मिला। मंदिर जब से मंदिर बना या मंदिर के आंदोलन हुए पूरी एक घंटे इनका मार्गदर्शन हमें मिला। एक एक चीज इन्होंने बता। वहां पर जाने के बाद पूरा मंदिर जो बन रहा था नीचे से लेके, मुझे याद है शायद उस वक्त 40 फुट नीचे खुदवाई करके और अभी 5 फुट ही 5 लेयर पड़ी थी, एक एक फुट की लेयर पड़ रही थी, बहुत बड़ा क्षेत्र। और माननीय चंपतराय जी ने एक एक बारीकी से हमें बात समझाई